Hello? Yes, Musaddilal Kapoor, famous producer director of famous comedy series. Himmat Hai Tohan speaking. Yes, yes. Yes, yes. Okay. किसे फोन कर रहे थे सर? मैं किसी को फोन नहीं करता, लोग फोन करते हैं मुझे। चैनल वाले भी आपको फोन करते हैं? अरे चैनल की क्या औकात है, आज सीरियल बंद कर दूं ना तो चैनल बंद हो जाएगा। सही बात है सर, सुपर डुपर हिट सीरियल है अपना। उस दिन फोन आया था पटेल का। पटेल? वो चैनल का वाइस प्रेसिडेंट? अरे काय का वाइस प्रेसिडेंट, दो बातें करने लगा, मैंने चार बातें सुना दी, चुप हो गया। उनको मालूम है मुसद्दीलाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कीमत क्या है जी। मैं चैनल जाता हूँ ना जी तो सब हिल जाते हैं जी। हेलो, हाँ हाँ जी, एक मिनट सर, वो चैनल से फोन है पटेल जी का। अरे हिला क्यों रहे हो यार? क्यों सर? सॉरी सर, क्यों पूछा सर? सॉरी सर, जैसा आप कहेंगे सर, जैसा आप कहते हैं सर, जैसा आप कह रहे हैं सर, जैसा आप कहेंगे सर, वैसे ही होगा सर। है जी, ओके सर, सॉरी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या हुआ सर? वो कह रहे हैं आगे की शूटिंग बंद कर दो। क्या? हाँ, पर क्यों? अब कह रहे हैं टीआरपी लो है। टीआरपी समझते हो ना? जी हाँ, वो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। हाँ हाँ, वही वही कह रहे हैं, लो है, लो है। अब क्या करें सर? अब कह रहे हैं इंटरनल मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। आप लोगों ने कभी कालीदास को देखा? सॉरी सर, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। पांडे जी आपने देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। भाटे जी आप कहाँ थे जब कालिदास थे? तो वेल आई थिंक मैं उस वक्त अपने लिए समोसे खरीदने गया था। इन शॉर्ट सर, हम किसी ने महाकवि कालिदास को नहीं देखा। को मुगो को आपको फेंका? व्हाई, क्यों? पटेल, मुझे क्यों फेंकोगे? मैं कह रहा हूँ मुझे देखो, आई एम ब्लडी कालिदास। नो सर, यू आर ब्लडी मिस्टर शुक्ला, सीटीवी के शुक्ला इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मालिक। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम ब्लडी कालिदास। कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे, जिस डाल पे बैठे थे, उसी को काट दिया था। मैंने भी वही किया। अच्छी भली पिताजी की तेल मिल चल रही थी, मैंने वो बंद करके सीटीवी खोल दिया। पहले मूंगफली का तेल निकालते थे, आज अपना खुद का तेल निकाल रहे। वाह, खोला चैनल चलाने के लिए सर। चल कहाँ? चल तो सिर्फ एक ही चैनल रहा सर। हाँ सर, हमें उसे पछाड़ना होगा। हाँ हाँ, कैसे पटेल? सर जैसे प्रोग्राम वो बनाते हैं वैसे ही हम बनाए, यानी कि गेम शो लगा। ना ना ना, उससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। नया क्या? डेली शो, वीकली हटाओ डेली चलाओ। तो इसमें नया क्या है, ये तो हर जगह वही चल रहा है। लेकिन हमारे चैनल के लिए तो नया है सर। That's it for a change, गलती से पांडे जी सही बोल गए। ये लीजिए सर, पिछले 6 महीने की टीआरपी लोग डेली डेली देख रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, एडिक्ट कर दो लोगों को, आदत बना दो लोगों को, मतलब कहीं किसी रोज कोई कुछ नहीं देखता। पांडे जी क्यों बुलाया? मीटिंग सर। किस बारे में? हमने नया शगुन लिया, हमने सोचा है कि हम अपने सारे वीकली सोप से रिश्ता तोड़ देंगे, नया दौर है और नए जमाने में डेली सोप बनाएंगे। डेली सोप मतलब डेली सीरियल चलाएंगे। डेली तो आप चलाते ही ना सर, आपका चैनल जो है रोज ही सीरियल तो दिखाता है। ना 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 ना, एक ही सीरियल डेली चलाएंगे, मंडे टू थर्सडे। और आपका जो सीरियल है हिम्मत है तो हंस, हफ्ते में 4 बार चलाएंगे। क्या कह रहे हैं जी? हाँ, तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए हिम्मत है तो हंस में हम हफ्ते में 1 बार लोगों को मुश्किल से हंसा पाते हैं, तो रोज क्या हंसाएंगे? वो आप हम पे छोड़ दें। मतलब आप लोगों को गुदगुदी करके हंसाएंगे? देखिए पांडे जी, बड़ा गम है जमाने में आजकल, हिम्मत है तो हंस को देखकर भी लोगों की हंसने की हिम्मत नहीं होती। हम मजबूर कर देंगे। किसे? पब्लिक को हंसने के लिए? आपको उन्हें हंसाने के लिए, नहीं तो प्रोग्राम बंद कर देंगे। देखिए पांडे जी, ये डेली कॉमेडी बनाना जो है ये कोई मजाक नहीं है। मजाक में बनाना भी मत, सीरियस होके बनाना। ये कहने का मतलब ये नहीं है। देखिए मतलब हमें मत समझाइए। तो किसे समझाऊं? जो समझता है। कौन समझेगा? कोई नहीं। मतलब ये डिसीजन ऊपर से आया है। कितनी ऊपर से? इतनी ऊपर से? इतनी ऊपर से? इतनी ऊपर से? उतनी ऊपर जितनी ऊपर वो बड़ा वाला चैनल है। हमें उतनी ऊपर तक जाना है और इसके लिए हमें मार्केट के हिसाब से चलना होगा। मार्केट कहता है कि भाई डेली दिखाओ, तो हम डेली दिखाएंगे। बोलिए आप बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं बनाऊंगा, मैं दरअसल चाहता था। ओके, आपकी चाहत अपने पास रखिए, हमारी चाहत देखिए, डेली बनाइए, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो आपका वीकली सीरियल चलेगा या तो बंद कर देंगे।
चलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और बंद किया तो दो बातें होगी, या तो दूसरा सीरियल बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे, बनाया तो ठीक नहीं बनाया तो दो बातें होगी, या तो कुछ और काम करेंगे या तो खाली बैठेंगे, कुछ और काम किया तो ठीक खाली बैठे तो दो बातें होगी, या तो कभी कभी खाली बैठेंगे या तो डेली खाली बैठेंगे, कभी कभी बैठे तो ठीक डेली खाली बैठे तो, अरे क्या बात करते हैं आप, डेली खाली बैठने के लिए तैयार है, हम आपको डेली बनाने को कह रहे हो, आप मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं मैं कहां कर रहा हूं, मैंने कहां मना किया, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं हिम्मत है तो हंस डेली बनाऊंगा। बोल कंगो भाई, कंगो को ओ कंगो। इंजेक्शन मैं कैसे दे सकता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो डायरेक्टर हूं। अरे इंजेक्शन नहीं, एडिक्शन, एडिक्शन। ओ हाँ, मतलब कुछ ऐसा आदत बना दो कि रोज 8 बजे हिम्मत है तो हंस के देखी देखे। मुसद्दी जी, हिम्मत है तो बनाओ। क्या हिम्मत है तो हंस। नहीं आपको ऐसा लगता है कि डेली चल जाएगा? डेली चलता नहीं, ये चलाया जाता है। अच्छा, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो वही देखते हैं जो उसको दिखाया जाता है, और फिर धीरे धीरे उसको उसकी आदत पड़ जाती है। मगर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी शादी हुई थी तब बीवी पसंद आई थी आपको? नहीं, वो तो घर वालों ने करवा दी थी तो अब अच्छी लगने लगी है। That's it. Tell me why. भाई मजबूरी सी हो गई है, रोज देखता हूँ उसको। That's correct. इसलिए पब्लिक को भी मजबूर कर दो। सपोज हिम्मत है तो हाँ तुम्हारी बीवी, पब्लिक को उसको दिखा दिखा के आदत डाल दो ना। ऐसा हाल कर दो कि पब्लिक तुम्हारी बीवी के बिना रह ही ना पाए। क्या? वेल ही महसूस है तुम्हारी सीरियल के बिना रह ना पाए और हमारे टीआरपी टॉप पर पहुंच जाए। ठीक है, मैं बात करके देखता हूं। ना बात नहीं, काम करो, कुछ ऐसा करो कि सी हर कोई सी करे, ऐसा कुछ कर दो। मतलब ठीक है शुक्ला जी, लेकिन देखिए भाई आपके पेमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, बहुत ही मतलब डिले हो रहा है। डोंट वरी भाटिया जी, इनके पेमेंट क्लियर करवाओ। यू गॉट इट? या आई कम। अच्छा शुक्ला जी, गुड बाय डार्लिंग। भाटिया जी बजट कम कर रहे हैं? हाँ, हम आपकी नाक में दम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डेली है जी। देखिए डेली में भी तो उतना ही शूट करना पड़ता है जितना वीकली में करना पड़ता है। आप नॉनवेज खाते हैं? हाँ खाता हूँ, हफ्ते में एक बार। मतलब वीकली हर इतवार? हाँ, बाकी दिन तो मैं वेज ही खाता हूँ, नहीं तो खलता है ना। डेली क्या चलता है? दाल। दाल बस, ये समझिए कि सीरियल दाल है, और दाल तो नॉनवेज से सस्ती होती है, तो यहाँ साइन कर दीजिए। आप मेरे सीरियल को दाल समझते हैं? आप मेरे सीरियल को खाने की चीज समझते हैं? भाई साहब आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं, मुझे तो हर चीज खाने की लगती है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये फाइल, ये पेपर, ये फोन, और आप। घबराई मत, आज सोमवार है और सोमवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता। आप यहाँ साइन कर दीजिए कि मैं दाल बना के दूंगा। दाल बना के दूंगा मतलब सीरियल बना के दूंगा। देखिए भाटिया जी, दाल में तड़का वड़का भी तो लगाना पड़ता है ना। हाँ, बिना उसके मजा नहीं आता ना। तो फिर अगर मार्जन ही नहीं देंगे तो बिल्कुल बीमारों वाली दाल बनेगी, तभी तो बीमारी दूर होगी जी। मतलब ये समझिए कि पब्लिक बीमार है और आप डॉक्टर। मैं डॉक्टर? हाँ, आप हंसा हंसा के पब्लिक की बीमारी दूर करेंगे। नहीं नहीं, पर इतने कम में तो मुझे कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको बचेगा तो चैनल को नहीं बचेगा। पर मेरे बचाने से चैनल को क्यों जलन हो रही है? अरे जब चैनल को नहीं बच रहा तो आपको अपनी पड़ी है। मुझे नहीं बचेगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। आप मेरा सर मत खाइए, अब मैं समोसे खाऊंगा। लेकिन चैनल की ये स्ट्रेटेजी मेरी समझ में तो नहीं आई। अरे आपकी समझ में कैसे आएगी जब चैनल की नहीं आई। आपको क्या लगता है, आप चाहते हैं कि मैं अच्छा सीरियल ना बनाऊं? आप क्या चाहते हैं, मैं समोसा खाऊं या ना खाऊं? इतने कम में तो अच्छा नहीं बनेगा। देखिए आप यहीं रहे और देखते रहे तो मुझे ये समोसा नहीं पचेगा। ओके दीजिए भाटिया जी, ये मैंने साइन कर दिया। वेरी गुड, स्क्रिप्ट सुनाने आ जाना, मैं वेट करूंगा। देखो भाई सलीम जावेद। जी जी सर। नरेशन ऐसा करना जैसा असली सलीम जावेद ने शोले का किया होगा। जी सर। सर वो तो मैं कर दूंगा, पर आप सलीम भाई से कहिए ये बिल्कुल चुप रहेंगे। अरे मैं क्यों चुप रहूं, बोलूंगा तो मैं ही। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ फिर। तो हाँ, 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 ही क्यों? अरे भाई देखो, तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? याद रहे तुम लोग कॉमेडी सीरियल लिख रहे हो। अच्छा अच्छा, मतलब तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं है। हाँ बिल्कुल पता नहीं है। लिख तुम रहे हो या मैं रहा हूँ? सर लिख तो हम ही रहे हैं। सर वो क्या है कि आजकल हम तीन तीन चार चार डेली सोप लिख रहे हैं, डेली निरीक्षण करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता है। कल एक डेली सोप का निरीक्षण करके आए, क्या नाम है उसका, सास भी कभी बहू होगी। होगी क्या? नया सीरियल है सर। सर लेकिन गलती से वो आपका वाला सीरियल है ना, हिम्मत है तो हंस, उसका एपिसोड सुना है। तो चैनल तो धक्के मार के निकाल दिया होगा। समय कहाँ मिला सर, इतना रोने लगे कहने लगे इतना इमोशनल तो हमने आज तक कभी सास भी कभी बहू में भी नहीं देखा। क्या कह रहे बिल्कुल सही सर। अच्छा चलो अब ये बता दो कि यहाँ आज चैनल में तुम लोग हिम्मत है तो हंस सुनाने वाले हो या सास भी कभी बहू होगी? सर एक मिनट देख के बताता हूँ। सर गलती से
कहानी सरकी का एपिसोड है। अम्मा यार, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हिम्मत है तो हंस का नरेशन करना है आज हमें। अरे आपने कब कहा था? मैं तुम सुनते कहां हो? अरे तो आप कहते ही कहां हो? भाई एक सेकंड, एक सेकंड। अब लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही चैनल आपस में लड़ रहे हैं और तुम लोग चैनल के अंदर बैठ के लड़ रहे हो। अब बात मैं डिसाइड करूंगा, सुन लो। नरेशन जावेद करेगा। लेकिन सर नरेशन तो हम करेंगे। सलीम तुम्हें भी मौका मिलेगा, जब जावेद नरेशन कर रहा होगा ना तो तुम हर दो दो सेकंड के बाद हंसने लगना करके। लेकिन सर हम तो कॉमेडी सुनाने के लिए आए हैं, क्या उनको समझ में नहीं आएगा कि ये इमोशनल ड्रामा है? अरे इमोशनल ड्रामा के पीछे वो झूठी मूठी का लाफ्टर ट्रैक होता है ना, वो अगर लगा दो ना तो पब्लिक को लगता है कॉमेडी है। तभी तो उन्होंने हिम्मत है तो हंस को इमोशनल ड्रामा समझ के अप्रूव कर दिया सर। लाफ्टर ट्रैक नहीं डाला होगा। बिल्कुल सही। पर ये गलती पांडे जी के सामने मत करना। सर ये पांडे जी क्या चीज है? अरे ये चैनल का मालिक है ना शुक्ला, उसके मोहल्ले का एक इडियट है, टीवी देखने का बहुत शौक है, पहले केबल वाले के यहाँ काम किया करता था, उसको लेके यहाँ पे आ गया है। अब कहता है कि पब्लिक ही बताएगी कि किस तरह का प्रोग्राम बनना चाहिए और क्या उनको पसंद आएगा। क्या पसंद? अब ये तो पब्लिक ही बताएगी ना। मुसद्दीलाल जी आ गए। पब्लिक, हाँ जी आइए। ये कहाँ? देख टीना, बॉस सुन ली तेरी कहानी घर घर की, अब हकीकत जान ले, अपना बसेरा हटा ले पूरे घराने के साथ, वरना बाद में मत कहना कि बाटिया ने संबंध तोड़ने के लिए ये भी नहीं देखा कौन अपना कौन पराया। हाँ अब फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। हाँ जी तो सुनाइए अपनी दास्तान। हाँ तो भाटिया साहब, ये जो हमारी वीकली कॉमेडी थी उसके डेली का पहला एपिसोड लेके आए हैं। ओके, तो ये दोनों आपके राइटर? जी हाँ, ये सलीम और ये जावेद। नमस्ते करो भाई। अरे अरे अरे, आप लोग एक मुस्लिम सोशल लिखेंगे? हाँ जी, वेरी गुड। अरे पहले मुसद्दी का सोशल तो सुन ले, इनका मुस्लिम सोशल बाद में सुन लेंगे। नहीं फाने जी, मेरा सोशल नहीं है, मेरा तो डेली कॉमेडी है। आप लोग डेली कॉमेडी लिखते हैं? जी डेली नहीं लिखते, कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी सोशल भी लिखते हैं। वैसे इन्होंने डेली सोप लिखा है, तो ये कॉमेडी कैसे लिखेंगे? भाटिया जी अगर डेली लिखेंगे तो कॉमेडी तो अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तो दिखाइए अपना कोरा कागज। मतलब सुनाओ। देखिए इस सोशल की शुरुआत शुरू से होती है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि बिल्कुल बिगिनिंग से होती है। हंस क्यों रहा है? आपने ही तो कहा था हर दो संगीत में हंसते रहना। अबे अभी तो सीरियल शुरू नहीं हुआ। ये क्या खुसर बुसर हो रही है, क्या हो? नहीं कुछ हो नहीं रहा भाटी। हाँ जावेद सुनाओ भाई। जी शुरुआत में हम देखते हैं कि तुलसी अपने पति की याद में रो रही है। पति मरा पड़ा हुआ है, गलत जगह पे हंस रहा है। वो विधवा हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है। इधर शादी हो रही है, हम देखते हैं कि उधर पति बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। यहाँ लाफ्टर ट्रैक नहीं डालोगे? वो भूल गए शायद, लेकिन एडिटिंग में तो मैं डाल ही दूंगा ना सर। इधर शादी हो रही है, उधर पति बेचैन हो रहा है। इधर वो जयमाला डालती है, उधर उसकी याददाश्त वापस आती है। ये गलत है, तुलसी एकदम पवित्र है, वो किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती है? अरे पब्लिक तुम लोगों का वजूद खत्म कर देगी, वो क्या क्या करश फेंक के मारेगी। नहीं नहीं चेंज करो, कैंसिल शादी कैंसिल। औरत वरमाला डालने जाती है तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं कोई अपना सा है, और वो चक्कर खाकर गिर जाती है, है ना? तब दुनिया को पता चलता है कि कहीं दिया जले कहीं जिया, यानी कि ये औरत मां बनने वाली है, शी इज प्रेग्नेंट। ऐसा कैसे हो सकता है भाटिया साहब, उसका पति तो 2 साल से लापता है। क्या? हाँ हाँ जी। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। अब एक काम करो, उसे 5 महीने से लापता करो। ज्यादा है। ओके ओके, उसे 3 महीने से लापता करो, इससे कम नहीं कर सकते। लेकिन सर ऐसा ठीक है ठीक है जावेद, इट्स ओके, आप जो कहें हाँ तो हाँ, आप जो कहें ना तो ना। आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, वो गिरती है तो क्या होता है? नहीं सर आप बताइए क्या होता है। यार सब कुछ मैं ही बताऊंगा, तुम लोग कहानी डेवलप करो, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी दास्तान में कितना जोश है। हेलो, कोई है? और ध्यान रहे, तुम लोग डेली कॉमेडी बना रहे हो, लोगों को रोज हंसाना है। हेलो, से ना समथिंग टू भाटिया अंकल। सॉरी टू से, आपकी कहानी कुछ जम नहीं रही, मतलब हंसी डाली। वो तो एडिटिंग में डालूंगा ना सर। कहानी में हंसी डालिए। देखिए भाई, मेरे राइटर जो हैं उनको डेली कॉमेडी लिखने की आदत नहीं है। तो चेंज द राइटर मैन। फिर से चेंज कर दूं? अरे पहले वाले को चेंज करके तो इन दो को रखा है। तो पहले वाला डेली नहीं लिखता था? वो डेली लिखता था, डेली महीना भर लिखने के बाद वो 4 एपिसोड देता था। आपको मालूम नहीं है आजकल राइटर्स की बहुत कमी है भाई। तो एक काम कीजिए, आपने वो सीरियल देखा है? कौन सा? सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर वाला। हाँ देखा है। तो बस उसी से पिक कर लीजिए ना।
अरे उन्होंने पहले से पिक कर रखा है। तो और अच्छा ना, तुम उनसे लो, कंटिन्यू द ट्रेंड। अरे भाई वो ट्रेजेडी है, उसमें रोना धोना है। मुसद्दी लाल जी, यू आर टू जीनियस। बैकग्राउंड में लाफ्टर डालिए, लोग समझेंगे कॉमेडी है। क्या? हाँ, और एक बात, सीरियल का नाम भी कैसे रख लो। अरे पटेल साहब, कैसे कैसे रख लू, हिम्मत है तो हंस के 50 एपिसोड तो चल चुके हैं। तो अब किस्मत है तो हंस कर दो ना। सर या तो रख लो क्योंकि हिम्मत है तो हंस। नहीं लेकिन 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 नहीं, देखो हमने अपने सारे प्रोग्राम का नाम कैसे कर डाला। देखिए करने को तो मैं कर दूं, लेकिन कैसे सारे नाम तो उन्होंने रजिस्टर करा रखे हैं ना। नहीं है कुत्ता है, कमीना क्या, काहिल है, कहानी कफन चोर की। अरे अरे सर क्या करो, कितना इमोशनल ड्रामा, एक आदमी का कफन चोरी हो जाता है, लॉट ऑफ इमोशंस। अच्छा तो कैसे नाम रखने से हमारा सीरियल चल जाएगा सर? ऑफ कोर्स चलेगा, हम हमारे चैनल का नाम भी चेंज करने वाले हैं, सी टीवी से की टीवी। की टीवी? या मतलब शुक्ला इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट से कुकला इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट, देखना कितना चलेगा। लेकिन सर, और मेरी मानो तो तुम अपना नाम भी कैसे रख लो, मुसद्दी लाल कपूर। जी नहीं, मैं मुसद्दी लाल कपूर ही ठीक हूँ। पर सीरियल का नाम चेंज करो। अच्छा ठीक है वो। अच्छा सर, क्योंकि किस्मत है तो हंस चलेगा सर। हिट है हिट, किट है किट। कच्छा कुकला जी, कच्छा कटेल साहब, कच्छा कच्चा जी, कच्चा वेरी जीनियस, कच्चा कुकला जी। अब आपके सीरियल में कुछ दम आया है? सर मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही बदल दिया है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। अच्छा एनीवे, पांडे जी आपकी शूटिंग में आएंगे? ओके जी। ओके तो मिलते हैं आपकी शूटिंग में। जी अच्छा, ऑल द बेस्ट, और जल्दी जल्दी एपिसोड जमा करा दीजिए, वक्त की रफ्तार बहुत तेज है। ओके बस सर, शेड्यूल खत्म होते ही मैं जमा करा दूंगा। गुड, वेरी गुड। कितने एपिसोड शूट कर डाले? 16 एपिसोड शूट किए सर। अरे वाह, अगला शेड्यूल कब है? अगले महीने की 22 तारीख से सर। ठीक है, हम जरूर आएंगे। आप भी आएंगे? अरे पांडे जी ने वैसे ही आके हैरान कर रखा है भाई। नहीं नहीं नहीं, हम क्रिएटिविटी में कोई दखल अंदाजी नहीं करते भाई, हम तो लंच टाइम पे आएंगे। पांडे जी बता रहे थे कि आपके यूनिट का खाने में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ सर। गुड गुड तो ठीक है सर, लेकिन अब जरा चेक भी दिलवा दीजिए। अरे यार अभी तो शूट करके दिया है, अभी से चेक। नहीं नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पहले वाले 10 एपिसोड की बात कर रहा हूँ, उसका चेक कब मिलेगा? 10 एपिसोड बाद। सर आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा चैनल की टीवी नंबर 1 चैनल बन गया है। अरे वाह, ये सब तो आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सर, ये सब उन डेली सीरियल्स की वजह से हुआ है जिनके नाम के से शुरू होते हैं। सर हर जगह हमारे सीरियल कहानी कफन चोर की, कुत्ता कमीना काहिल की धूम है सर। सर पर इवन अपना कुकरी शो कीमा कलेजी और करेला टॉप 10 चार्ट में है। सारे प्रोग्राम्स टॉप 10 में है सर, खास करके क्योंकि किस्मत है तो हंस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर, वो तो उसकी टीयर पे तो सबसे ज्यादा है। सर सर वो अपना शेयर मांग रहा है। कौन दे? वही जिसने टीआरपी की सेटिंग कराई है। अच्छा वो, अरे यार उसको तो डिनर पे बुलाओ ताकि हमारे सारे के वाले प्रोग्राम की सेटिंग रहे। रहेगी रहेगी सर। हेलो की टीवी से पांडे जी स्पीकिंग। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। क्या हुआ पांडे? पांडे हुआ क्या बे? चैनल के मालिक होंगे आप अपने घर के, पांडे के आगे जीने लगाएंगे तो कभी नहीं बोलूंगा। और यू बुलशिट, पांडे जी हुआ क्या? इट्स माय प्लेजर सर। मुबारक हो हमारे सीरियल क्योंकि किस्मत है तो हंस को अवार्ड मिला है। क्या नंबर 1 डेली ट्रेजेडी? पर मैंने तो डेली कॉमेडी बनाई थी। अब कॉमेडी को डेली बनाओगे तो ट्रेजेडी तो अपने आप बन जाएगी ना। अच्छा बड़ी जल्दी समझ में आ गया, अब अवार्ड तो ले लो। हाँ अवार्ड ना सही, अवार्ड ही सही।